दोस्तों नमस्कार। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक कैसे डाउनलोड किया जाता है आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो पासबुक डाउनलोड करने के लिए IPPB एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आप अपना जो है MPIN से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल अपडेट हो चुका है एप्लीकेशन। अगर आप अपडेट नहीं किए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन को, आप एक बार प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि अपडेट हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि न्यू फीचर आ चुके हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोसेस के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक कैसे डाउनलोड करना है, और आपका तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा और आप देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पासबुक डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, और नीचे में जस्ट आपको देखिए पासबुक यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अगर आप एक महीने का पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू पासबुक पे क्लिक कर देंगे। अगर आप दो महीने का पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं 60 दिन का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप 90 दिन का करना चाहते हैं पासबुक डाउनलोड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं पहले, तो व्यू पासबुक पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं किस डेट से लेके किस डेट तक आपको पासबुक डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले डेट रेंज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फ्रॉम डेट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जनवरी 2022 से हम यहाँ पे ये पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जनवरी 1 आ चुका है और यहाँ पे जनवरी 2022, उसके बाद आज जो डेट है वो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ तक हमको पासबुक डाउनलोड करना है। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू पासबुक पे क्लिक कर देंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने में प्रोसेसिंग होगा, और होने के बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड सक्सेसफुली चेक योर डाउनलोड फोल्डर। तो आपके जो फोल्डर है उसमें डाउनलोड वाले फोल्डर में ये अकाउंट का जो स्टेटमेंट चला गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो है फाइल ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम स्टोरेज पे आ जाएंगे, और स्टोरेज पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का एक फोल्डर है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, और यहीं पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे पासबुक डाउनलोड हो चुका है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन किए होंगे सारा यहाँ पे आपको दिखा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपको ये लाइव डाउनलोड करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक दिखाए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक और तरीका बताते हैं आपको डाउनलोड करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लास्ट 90 दिन का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद PDF पे क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड सक्सेसफुली चेक योर डाउनलोड फोल्डर। तो जो आपका डाउनलोड वाला फोल्डर है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया उसमें ही गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है, ये डाउनलोड वाला है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आ चुका है। फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए मेरा 3 महीने का यानी कि 90 दिन का पासबुक डाउनलोड हो चुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक तुरंत ही इस प्रोसेस से आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपके मन में सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।